दोस्तों आपका सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। और आपके अथाह प्यार से ये चैनल की शुरुआत हमने बहुत जल्दी ही की थी और हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल का नाम हमने तुराज शायरी मोटिवेशन फ्लूट ये रखा हुआ है। तो ज्यादातर लोगों ने पूछा कि ये तुराज क्या है। दोस्तों तुराज जो है हम सब के अंदर एक क्रिएटिव पावर है, जैसे हमने इस चैनल का नाम रखा शायरी, शायरी में हिंदी कविता भी इंक्लूड है, मोटिवेशन और फ्लूट, ये सब क्रिएटिव पार्ट है। मतलब ये पूरा चैनल एक पूरा ही एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारा कुछ क्रिएटिव मिलेगा और बिल्कुल नया मिलेगा, क्योंकि ये तुराज जो मैंने बताया आपको, तुराज यू द मिस्ट्री, तुराज का मतलब है तू राज, यू द मिस्ट्री। तो ये चैनल थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, तो इसके लिए क्योंकि आज ये बताना जरूरी है, आज मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, इसीलिए कि पहले ये पता चले कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। तो तुराज का मतलब है यू द मिस्ट्री, जो हम सब के अंदर एक क्रिएटिव पावर है और हर व्यक्ति क्रिएटिव है, हर व्यक्ति के अंदर वो भाव है, वो विचार है कि वो कुछ भी नया कर सकता है। और ये परमात्मा ने हमको सबको ये इस उससे नवाजा हुआ है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। जो भी परिस्थितियाँ इंसान की होती हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो ये वही एक प्लेटफॉर्म है। और यही बताने का यहाँ इस प्लेटफॉर्म में वो है कि ये क्रिएटिव पावर, इसके माध्यम से आप किसी भी फील्ड में, आपको जो भी रुचि हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसमें आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। तो यहाँ शायरी, हिंदी कविता और मोटिवेशनल थॉट्स, उसके ऊपर हमने काम किया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोटिवेशन के ऊपर हमारे कुछ वीडियोज आएंगे। और फ्लूट जो मैं खुद बजाता हूँ, आपको बैकग्राउंड में इसका फ्लूट का जो भी म्यूजिक मिलेगा वो मेरा खुद का, खुद ही मैं बजाता हूँ। और फ्लूट के ट्यूटोरियल भी हम धीरे धीरे इसमें आगे स्टार्ट करेंगे, ताकि लोग जो भी इच्छुक हैं, फ्लूट बांसुरी तो भगवान कृष्ण का एक वो है, तो इसको जो भी सीखना चाहता है उसके लिए भी हम ऐसा प्लेटफॉर्म इसमें आने वाले दिनों में तैयार कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया चैनल का जो पूरा वो है। और ज्यादातर यहां पर जो कंटेंट है, जैसे मैंने बताया कि वो खुद का तैयार किया हुआ है और मैं लिखता हूं और काफी सालों से लिख रहा हूं, तो आज मैं आपको उसी कड़ी में एक हिंदी कविता सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले ये हिंदी कविता कहाँ से बनी वो आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र मेरे पास आए और वो बहुत परेशान थे, घरेलू परेशानियाँ या उनका जो भी दुख, और वो इतना गहरा था कि उनके पास कोई अभिव्यक्ति भी नहीं थी और न कोई वो किसी से शेयर कर सकते थे, क्योंकि वो उस अवस्था में चुके हैं। जो भी हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनल परेशानियां हैं, उसके निजी दुख हैं, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और काफी देर तक हमने बातचीत करी। और उसी शेयर जो उन्होंने मेरे को अपनी सारी कहानियां बताई और सारा कुछ बताया, उससे मैंने उनको ढाढ़स भी दिया और उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगा, और उसके बाद कभी कई मुलाकातें हमारी हो चुकी हैं। उसी संदर्भ में मुझे कुछ उनकी कही भी उन बातों को मैंने पंक्तिबद्ध किया, मैं आपको
सुनाता हूँ। और ये जरूर ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा पीड़ा है इसमें, इस कविता में, लेकिन आपको जरूर पसंद आएगी। और इस ही कविता में उनको मैंने हल भी बताया और हल दिया भी, और वही मैंने कविताबद्ध किया है। तो आप जरूर सुनिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। और कमेंट आप जरूर अपने इस चैनल में दीजिए ताकि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि हमने बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और हमें कुछ इसका ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो इसमें होना चाहिए और कुछ भी ऐसा लगे कि जो इसमें सुधार किया जा सकता है, तो वो आप अपने कमेंट जरूर इसमें दें। तो मैं आपको ये रिसाइट करता हूँ, आप सुनिए। कौन मसीहा होगा, कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को फिर से सहारा देगा? कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को फिर से सहारा देगा? विरह में हूं, अश्क भी थक चुके, विरह में हूं, अश्क भी थक चुके, पथराई आंखें, प्रभावी तमस सी लग रही है अब, प्रभावी तमस सी लग रही है अब, उदासी प्रचंड है मेरी बेहोशी और अबोध में। कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को फिर से सहारा देगा? भटकन बड़ी है चित्त बेचैन, भटकन बड़ी है चित्त बेचैन, नींद नहीं पथ विहीन, कोई आस्था विश्वास नहीं, ऐसे में कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा? डर बहुत है, सन्नाटा गजब है, तार तार हुआ दिल अब तड़पन बहुत है। डर बहुत है, सन्नाटा गजब है, तार तार हुआ दिल अब तड़पन बहुत है। आशाओं का बांध टूट गया, आशाओं का बांध टूट गया, सपनों के सब पुल बह चुके हैं। आशाओं का बांध टूट गया, सपनों के सब पुल बह चुके हैं। इस मझधार में अब कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा? खंड खंड तार तार हो चुके हैं टुकड़े मेरे, खंड खंड तार तार हो चुके हैं टुकड़े मेरे, बल नहीं बुद्धि भी बेकाम, बल नहीं बुद्धि भी बेकाम, बेलगाम मन रुकता ही नहीं, बल नहीं बुद्धि भी बेकाम, बेलगाम मन रुकता ही नहीं, शत विकसित शव सा पड़ा हूं मैं, शत विकसित शव सा पड़ा हूं मैं, ऐसे में कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा? तपिश बहुत है बदन में, तपिश बहुत है बदन में, घावों में नमक सा पड़ रहा, तपिश बहुत है बदन में, घावों में नमक सा पड़ रहा, मूक बधिर सा बेजुबान हूं मैं अब, मूक बधिर सा बेजुबान हूं मैं अब, ऐसे में कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा? गर्दिशों के सब तारे टूट पड़े हैं, गर्दिशों के सब तारे टूट पड़े हैं, मेरे सूरज और चांद सब ग्रहण ग्रसित हैं, गर्दिशों के सारे तारे टूट पड़े हैं, मेरे सूरज चांद सब ग्रहण ग्रसित हैं, पथ भ्रष्ट न पथिक संग, पथ भ्रष्ट न पथिक संग, न अपनी छाया कोई, ऐसे में कौन मसीहा होगा जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा? अमावस भरी सर्पिनी, अमावस भरी सर्पिनी ने डेरा डाल दिया है मन में, अमावस भरी सर्पिनी ने डेरा डाल दिया है मन में, भरोसा सब उठ गया है उनसे जो मेरे अपने थे, भरोसा सब उठ गया है उनसे जिनको मैंने अपना माना, भरोसा सब उठ गया है उनसे जिनको मैंने अपना माना, पर कोई तो है जो, पर कोई तो है जो दिखता नहीं, ये मैं तुराज की बात कर रहा था आपको, यू द मिस्ट्री, पर कोई तो है जो दिखता नहीं, मेरे अंदर सरक सा रहा है।
पर कोई तो है जो दिखता नहीं, मेरे अंदर सरक सा रहा, बूंद बूंद जीवन का पानी डाल रहा है। पर कोई तो है जो दिखता नहीं, मेरे अंदर सरक सा रहा है, बूंद बूंद जीवन का पानी डाल रहा है। मेरी आंख धूमिल है, मेरी आंख धूमिल है, मैं उसको देखूं कैसे। पर कोई तो मसीहा जरूर है जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा, मुझे एकांत भी देगा और मुझे साथ भी देगा। पर कोई मसीहा जरूर है जो मेरे टूटे हुए दिल को सहारा देगा, मुझे एकांत भी देगा और मुझे साथ भी देगा। क्योंकि जिंदगी में एकांत भी चाहिए और जिंदगी में साथ भी चाहिए। एकांत इसलिए कि मैं उस तुराज को देख सकूं जो मेरे अंदर है, वो क्रिएटिव पावर जिससे मैं कुछ क्रिएट कर सकूं, जिससे मैं पॉजिटिव हो सकूं। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया हुआ है, ये एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी कहीं भी, यहां से नेगेटिविटी को दूर भगाना है, इसलिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और आज का जो वातावरण है, जो प्रभाव मनुष्य के अंदर पड़ रहे हैं, उनसे आदमी के अंदर सोच बदल रही है, थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा है, मन दुखी है और सभी के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और ये क्रिएटिविटी इसी पर तैयार की गई है। और ये हमेशा आपको अलग अलग माध्यमों से, शायरी के माध्यम से, हिंदी कविता के माध्यम से, मोटिवेशनल थॉट के माध्यम से, फ्लूट म्यूजिक के माध्यम से, जब फ्लूट आप कुछ मेरे एपिसोड ऑलरेडी डाले हुए हैं, छोटे छोटे एपिसोड हैं, तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस चैनल को स्वीकार किया और आपको पसंद आया है। तो लाइक और शेयर, अगर आपको अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ